तो हेलो गाइज, हुबी ग्लोबल एक्सचेंज एक वर्ल्ड की टॉप एक्सचेंज है जिसके अंदर हमें बहुत सारी प्राइम लिस्ट वगैरह मिलती है। उनके अंदर जो भी टोकन आते हैं उनके हमें अच्छा खासे रिटर्न भी मिलते हैं, ठीक है। तो इनका प्राइम लिस्ट के अंदर अभी जो टोकन है उसका नाम है जीएमपीडी सेल, ठीक है। ये जीएमपीडी टोकन है वो अपना को मिल रहा है। तो इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा गेम्स पेड के लिए टोकन के लिए, ये 3 डेज ही बचा है ओनली। तो सबसे पहले आपको प्री इवेंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होनी जरूरी है, जो पिछली बार भी हमने वीडियो में बताया था। जो फ्रेंड्स से इस वीडियो को देख चुके हैं उनको पता है कि केवाईसी कैसे करनी है, इस वीडियो के अंदर हमने बताया था। और साथ में हमने ये भी बताया था कि आपको इसमें रिटर्न कैसे मिलेगा, $50 की आपको यहाँ पे इसके अंदर ट्रेड करनी थी, वो सारी डिटेल हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, इसके पिछले जो रिटर्न है हमें तो वो कैसे मिले हैं प्राइम लिस्ट प्रोजेक्ट के। यहाँ पे IMX टोकन है उसने 58x दिया है, NGL है उसने 68x दिया है, मोनो ने 29x दिया है, बिको ने 72x दिया है, रिफी का अभी हम बताते हैं आपको जो हमारे पास पिक्चर में नहीं है, रिफी ने 39% दिया है अपने को X। एंड जो अभी अनबाउंड फाइनेंस यानी UNB टोकन था उसने 23x रिटर्न दिया था गाइज, ठीक है। इनके ATH बहुत बढ़िया जा रहे हैं, इनको बिल्कुल भी मिस मत किया करो। छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो गाइज, एंड कमेंट भी कर दिया करो। तो अभी अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट GMPD गेम स्पेड टोटल सप्लाई इनकी कि यहाँ पे ये है, ठीक है। सर्कुलेट सप्लाई 53 लाख है और सेल प्राइस इनका 0.55 USDT है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने को कैसे मिलेगा ये सेल, किसके लिए है। QA+ST होल्डिंग, तो ऑल एलोकेशन फॉर इवेंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.98% टोटल सप्लाई है वो हमें यहाँ पे मिलेगी, एंड इतने ही टोकन इनके 55 लाख ही यहाँ पे आ रहे हैं। उनके अंदर QK है 50 USDT, ST होल्डिंग में है 2000 USDT। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, कवर किया था कि यहाँ पे आपको कितने USDT की ट्रेड करनी है, किस तरीके से करनी है, कि आप सिंपल सा इसके अंदर अगर $50 की ट्रेड कर पाते हो। यहाँ पे अपन दिखा देते हैं सपोर्ट के अंदर किस चीज से अपने को यहाँ पे करना है। सेल पीरियड यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह दिया हुआ है, कब स्टार्ट होगी, 10 UTC ऑन December 21, 12:30 UTC ऑन December 21 को, ट्रेडिंग विल ओपन एट 13 UTC ऑन December 21, 30 मिनट आफ्टर द सेल पीरियड एंड। यानी सेल एंड होने के बाद में 30 मिनट के बाद में अपना ये सेल भी हो जाएगा, ठीक है। सेल वॉल्यूम यहाँ पे देखें तो ओनली 0.98 टोटल सप्लाई का ही होगा, 49% यहाँ पे 0.49 टोटल सप्लाई होगी यहाँ पे जो टोकनों का ST होल्डिंग के लिए, एंड 0.49% टोटल सप्लाई होगी वो होगी जो भी ट्रेड करेगा उनके लिए $50 की, वही एलिजिबल बायर होंगे, ठीक है गाइस। परचेज प्राइस यहाँ पे ये है एंड दोनों की प्राइस सेम ही है, परचेज लिमिट $50 की है, एलोकेशन ऑन ए प्रो रेट बेसिक, पेमेंट मेथड USDT है। अब भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आप तभी इसके अंदर एलिजिबल होंगे जब आपको यहाँ पे एडवांस वेरिफिकेशन कंप्लीट होना जरूरी है, उसके अलावा आप यहाँ पे नहीं होंगे। सपोर्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम $200 इन एनी डिजिटल असेस्ट बिटवीन 17 जुलाई से 21 दिसंबर तक, ठीक है। ड्यूरिंग विच कैन चेक योर ट्रेडिंग वॉल्यूम इफ एनी द इवेंट पेस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम काउंट बोथ बाइज एंड सेल, ठीक है। ट्रेडिंग पेयर्स USDT वगैरह सारे यहाँ पे दिए हुए हैं कि USDT, HUSD, PAX, HUSD, USDC, HUSD, USDC, USDT, TUSD, HUSD,
ठीक है, होल्ड एट लीस्ट 50 USDT इन योर एक्सचेंज। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको मिनिमम 200 USDT की ट्रेडिंग करनी ही पड़ेगी एंड $50 आपको वहां पे रखना है, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। और यहाँ पे दिया हुआ सिस्टम विच रैंडमली सेलेक्ट 2700 लक्की यूजर, ठीक है, 2700 यूजर को एक्सेप्ट करेगी। एंड यहाँ पे फिर अपने को यहाँ पे स्क्वेंस नंबर ए को 2700 तक वेब पेज पर अपने को यहाँ पे टोकन मिलेगा। तो एसटी होल्डिंग में क्या है, 3 दिन तक आपको 300 मिनिमम है, 1000 300 से 1000 है, तो आपको यहाँ पे इसने होल्ड करने हैं एसटी टोकन। एंड कैप ऑर्डर प्लेसमेंट अलग से 50 USDT रखना है मिनिमम होल्डिंग, उसी हिसाब से रखना है, पिछली बार की तरह हमने आपको बताया था उसी हिसाब से। तो वो भी टोकन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे इनको होल्ड करना है, स्नैपशॉट लेना है आपको, रेंडमली टेक प्लेस 24 आवर डेली का आपको इस यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है एंड 17 दिसंबर को आपको यहाँ पे सेंड भी करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसको प्रोजेक्ट को मिस मत करना, ये अपने को आराम से यहाँ पे 40 से 50x तक रिटर्न दे सकता है गाइज, ठीक है। कि फ्यूचर की बात कर ले अपन, तो मेटावर्स एंड NFT विद द फॉलोइंग फ्यूचर, NFT मार्केट प्लेस, गेमिंग इनक्यूबेटर, इन हाउस गेमिंग स्टूडियो, गेमिंग फॉक्स रे लॉन्च पैड, मल्टी चैन प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज VC, टायर बेस्ड सिस्टम, स्टेकिंग प्लस फार्मिंग पूल्स, मार्केटिंग बूस्टर, कम्युनिटी एनहेंसर, वाइल्ड एग्रेटर, तो सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर है। तो आप सपोज कर सकते हो कि डिसेंट्रलाइज भी है, मेटावर्स भी है, तो मेटावर्स का आज के टाइम में बहुत अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। प्राइवेट की बात करें तो 6% प्राइवेट इनका सेल है। स्ट्रेटजिक के बारे में बात करें तो 1.6% है, पब्लिक में 1.6%, मार्केटिंग में 5%, ऑपरेशन में 5%, लिक्विडिटी एंड एक्सचेंज में 3%, एडवाइजर में 6%, टीम 180%, स्टेकिंग एंड फार्मिंग 20%, ट्रेजरी 50%, इकोसिस्टम एंड पार्टनरशिप 30.8%। यहाँ पे इनकी प्रोजेक्ट टाइमलाइन दिया हुआ है, पार्टनरशिप वगैरह गेमिंग की, यहाँ पे इकोसिस्टम लॉन्च एंड टेक्नोलाइजेशन गेमिंग प्रोजेक्ट Q4 के अंदर, ये लाइफ कंसल्टिंग NFT एंड मेटावर्स गेम लेके आ रहे हैं गेम्स वेब, ठीक है। तो यहाँ पे इनका हाउस प्रोजेक्ट है, अल्टिलिटी स्टेकिंग ऑफ फार्मिल पूल्स एंड फर्स्ट गेम पेड ऑन हाउस गेम 7/2022 को आ गया एंड 10/2022 को गेम पैड रिलीज, सेकंड एंड हाउस गेम अमोंग एंड लैंड सेल एंड डेक्स, तो अगले साल तक इनकी डेक्स भी लॉन्च हो जाएगी। सबसे अच्छा प्रोजेक्ट हमें ये लगा, तो आप लोगों को ये हम लोग ने बता दिया, तो गाइस बिल्कुल भी इसको मिस मत करना, टोटल सप्लाई भी कम है तो बिल्कुल भी इसको मिस मत करना है, आराम से हमें 50x से 60x तक रिटर्न दे सकते हैं गाइस, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ओनली $50 की बात है, $50 से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।